कर रहे हैं तो लोग आपसे कई तरह के सवाल पूछते हैं। शनिवार शाम को 6 बजे, हाँ मैं आ जाऊंगा, पर किस लिए? जब वो पूछें किस लिए, उनको कहिएगा कि ये पूरा का पूरा हम बताएंगे आपको मीटिंग में। अगर आपको कहते हैं अरे कुछ तो बताओ, उनसे कहिए कुछ क्यों बताएं, अरे भाई साहब पूरा बताएंगे ना शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहे थोड़ा सा, को थोड़ा सा क्यों, सारा सा कब? शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, हम इसलिए कहते हैं ताकि आप उनको मीटिंग में इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि फोन पे अगर आप या किसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो व्यक्ति पूरा ना समझ सके और एक धारणा अपने मन में रख के और उस मीटिंग में ना आए। अगर वो आपके बहुत पीछे पड़ते आ रहे नहीं नहीं कुछ तो बताइए, तो एक बेस्ट तरीका क्या है उनको बताने का, सुनिए। क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, आपके मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद मैं ना दे सकूं। जब आप शनिवार शाम को 6 बजे मीटिंग में आएंगे, हमारे वहां पे ऐसे इतने तजुर्बेकार लोग होंगे जो पिछले 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके हर एक सवाल का उत्तर वो पूरी अच्छी तरह से दे सकेंगे ताकि आपको वो बिजनेस पसंद आए। लेडीज जेंटलमैन, ये हमारा तरीका है इनवाइट करने का। इसके अंदर जो लास्ट सी है वो कौन सा है? कमिटमेंट। कि जब आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता लीजिए। तो सर हम आपसे मिल रहे हैं शनिवार शाम को 6 बजे, अगर वो कहता है मैं देखूंगा, देखूंगा नहीं कि सर पक्का बताइए, अगर आपने कैंसिल भी करना हो मुझे कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर आप ना आ सके तो आपकी जगह मैं और किसी व्यक्ति को ले जाऊं ताकि मेरे समय भी बर्बाद ना हो। लेडीज जेंटलमैन, अगर उनके पास कमिटमेंट होगी और आपने उनसे जब बात करने का तरीके में पक्का कहा है कि हम आपसे जरूर मिलेंगे और समय से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा ताकि आपके लिए एक सीट रिजर्व रखूं, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, अभी तक हमने जो डिस्कस किए 4 तरीके, कौन से, सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाइए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, और चौथा अभी आपने सीखा कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि मीटिंग्स। जब हम लोगों को मीटिंग्स में बुलाते हैं तो मीटिंग में बुलाना ही काम खत्म नहीं हो गया, बल्कि काम वहां से शुरू हुआ। मीटिंग्स के अंदर भी सबसे पहले हमारी क्या चीज है? बिफोर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग से पहले। मीटिंग से पहले हमेशा समय से पहले पहुंचो। अगर मीटिंग शाम के 6 बजे की है तो कम से कम 15 मिनट पहले आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका गेस्ट अगर वहां पे पहुंच गया और आप लेट हैं तो आपके बारे में उसका विचार अच्छा नहीं होगा कि यार मुझे तो बुलाया अभी तक आया नहीं। मीटिंग से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आपने अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार किया है, साफ कपड़े, अच्छी तरह शेव की हुई, बाल अच्छी तरह कंघी की हुई, क्योंकि लोग ना ही सिर्फ हम हमारे बिजनेस से प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित होते हैं हमारी वेशभूषा और हमारे कपड़े डालने के और लोगों से बात करने के ढंग से। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले एक चीज सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास क्या पूरे प्रोडक्ट कैटलॉग है। अगर वो प्रोडक्ट देखना चाहेगा तो प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए। क्या आपके पास बिजनेस प्लान है? क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म है अगर वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहेगा? क्या आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है कि अगर उसने बिजनेस देखा और बिजनेस को देखने के बाद वो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट के सैंपल आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको दिखा सके। मीटिंग से पहले तो ये तैयारी करनी जरूरी है। दूसरा, मीटिंग के दौरान, यानी कि मीटिंग जब शुरू हो तो आपने क्या करना है? जैसे मीटिंग शुरू होती है, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ पे हमेशा हर मीटिंग में शुरुआत में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शाम को हो, सुबह हो, रात को मीटिंग हो, हर वेस्टिज की मीटिंग को शुरुआत होती है गुड मॉर्निंग से, यानी कि जब भी जागो तब सवेरा। सही समय वही होता है जिस समय आप जाग के अपनी जिंदगी की जरूरतों को पहचान ले। जब आपको कहा गया गुड मॉर्निंग, तो आप भी जब मीटिंग का एक हिस्सा हैं, वेस्टीज परिवार का हिस्सा हैं, तो आपने भी जोर से क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। लेडीज जेंटलमैन, जब आपका मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो स्टेज के ऊपर आपका लीडर इस बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है, जब वो कहता है हम जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं, तो आपने भी जोरदार तालियां बजानी है। क्यों? अगर आप सोचें बाकी बजाएंगे, जो व्यक्ति आपका गेस्ट है, अगर आप ही इस बिजनेस में एक्साइटेड नहीं है तो वो कहां से एक्साइटेड होगा।
मीटिंग के अंदर, ये नहीं कि उनको बैठा के आप बाहर घूमने टहलने चले गए सिगरेट पीने चाय पीने के लिए और सुस्ताने के लिए, नहीं, मीटिंग में आपको उसके साथ बैठना है। जब कहा जाए ताली बजाए तो टड़क करके उसको भी कहिए कि ताकि वो भी ताली बजाए, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट बढ़ेगी तभी वो बिजनेस में शामिल होगा। जब आपका जो प्रेजेंटर अगर कोई कहानी सुनाता है, पुरानी है, आपने 15 बारी सुनी हुई है, तब भी उसके ऊपर हंसे और चीज जो अच्छी हो, कोई चुटकला जोक सुनाया जाए उसके ऊपर हंसे और जोरदार ताली बजाएं। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इस जो मीटिंग में होगी वही इसके अंदर प्रभावित करेगी। जब बताया जाए कार फंड या हाउस फंड, अगर वो व्यक्ति कहीं अपना फोन देख रहा है, घड़ी देख रहा है, उसको थोड़ा सा उठा के, सर इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन इनकम है। अरे उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उसने पिछले महीने इस कार फंड से मर्सिडीज बेंज ली है, क्या आप वैसी गाड़ी लेना चाहोगे? लेडीज जेंटलमैन, मीटिंग के दौरान आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में कौन सी? आफ्टर द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद ज्यादातर लोग जो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को नहीं लेते वो क्या कहते हैं, धन्यवाद सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, मैं क्या बताऊं, आपने मेरी बात रख ली, ओके जी, मिलेंगे, फिर मिलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या उससे कोई फायदा होगा? नहीं। आफ्टर द मीटिंग एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस बिजनेस में हमने हर एक व्यक्ति से पूछना है कि जो आज आपने हमारी मीटिंग देखी उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स या हमारा बिजनेस? सोचने की बात है, अगर उसको बिजनेस नहीं करना, आपने उससे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारा बिजनेस, अगर उसको बिजनेस नहीं करना तो वो क्या कहेगा, अरे आपके प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है। तो उनको कहिए कि नोनी एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्या इसकी मैं 4 बोतल भेज दूं? क्यों? क्योंकि अगर आप 4 बोतल कहेंगे तो वो आपको कहेगा नहीं 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 एक भेज दो, क्योंकि अगर आपने कहा होता एक बोतल भेज दूं तो आपको कहता छोटी नहीं है, छोटी भी अगर होती तो वो कहते फ्री सैंपल नहीं है। लेडीज जेंटलमैन, हम फ्री सैंपल देने के बिजनेस में नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मीटिंग के बाद कहता है आपका बिजनेस काफी अच्छा लगा तो उसको मार्केटिंग प्लान और फर्दर डिटेल में बताइए, उनसे पूछिए कि आपके कोई शक है कि नहीं। मीटिंग के बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने करना क्या है। जो सफल व्यक्ति हमारे बिजनेस में हमारी मीटिंग्स के अंदर है उनके साथ उनको मिलाइए, ये नहीं कि आप जाइए, नहीं, चलिए आइए मैं उस व्यक्ति से मिलाता हूं, वो बहुत सफल है, स्टार डायरेक्टर है, कार फंड अचीवर है, ये हाउस फंड अचीवर है, ये गोल्ड डायरेक्टर है, इनका महीने में 50,000 का चेक है, ये महीने में 4.5 लाख कमा रहे हैं, ये 8 लाख कमा रहे हैं। जो सफल लोग हैं उनसे मिलाइए ताकि उनसे मिलके वो प्रेरित हों और उनका विश्वास इसमें पक्का हो। लेडीज जेंटलमैन, 5वां कदम मीटिंग को कैसे करना है। 6ठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि पूरी टीम के साथ, आपका अपलाइन वहां पे है, आपका डाउनलाइन वहां पे है, उसके साथ उनको मिलाइए कि ये लोग इस बिजनेस में पिछले 6 महीने से हैं, ये पिछले 1 साल से है। जब आप टीम के साथ काम करेंगे तभी आपको फायदा होगा। इन लोगों के कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको जानकारी नहीं है, अपने अपलाइन से पूछिए, राइट। टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां चीज यानी कि फॉलो अप। जो आपकी मीटिंग में आए, जिन्होंने कहा कि मीटिंग अच्छी लगी, बिजनेस के बारे में मैं सोच के बताऊंगा, आपने उसके अंदर क्या करना है, उनका फॉलो अप करना है। सर आप मीटिंग में उस दिन आए थे, आपने कहा था इसका आपको काफी अच्छा लगा, आपने कहा था कि आप सोच के बताएंगे, तो मेरा ख्याल से आपने सोच लिया होगा, तो आपका क्या विचार बना कि मैं आके आपके साथ इस बिजनेस को शुरुआत करूं? अगर किसी व्यक्ति ने कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में मैं सोचूंगा, तो सर आपने कहा था सोचूंगा और आपको कुछ जानकारी चाहिए थी, ये है जानकारी इन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं आपको भेज दूं? जब आप ये चीज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फॉलो अप, यानी कि पीछा करोगे तभी आप जाओगे। बहुत साधारण सी चीज है, जो आपके गेस्ट आए उनका पीछा करो, पीछा करोगे क्यों, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका बिजनेस अप जाएगा। जो आपके लोग आए थे जिन्होंने बिजनेस के बारे में कहा था सोच के बताऊंगा, उनका पीछा करो क्यों, क्योंकि अगर वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस क्या जाएगा, अप, यानी कि ऊपर। फॉलो करोगे अप जाओगे। फॉलो बहुत आसान करना होता है, कैसे, कि जब आपके अपलाइन मीटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं जो उन्होंने दिखाया उन्हीं का पीछा करो, यानी कि उन्हीं की कॉपी करो, उनकी कॉपी करोगे अप जाओगे। लेडीज जेंटलमैन,
सफल होने का वेस्टिज के अंदर बहुत अच्छा तरीका है, हम साफ कहते हैं कि फॉलो करोगे अब जाओगे, यानी कि पीछा करोगे तो अब जाओगे। क्या करोगे? फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? अब। फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? अब। फॉलो करोगे तो कहां जाओगे? क्या जाओगे? अब। यानी कि फॉलो करोगे अब जाओगे। अगर अप 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 ऊपर जाना है तो सिर्फ एक चीज करो कि फॉलो करो। लेडीज जेंटलमैन, इस मॉड्यूल को यहां पे खत्म करते हुए मैं यही चीज आपको दिखाना चाहूंगा, फॉलो करोगे तो अब जाओगे। फॉलो किन चीजों को? इन्हीं सात चीजों को जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वेस्टिज में शुरुआत कैसे की जाए उसमें करनी है। कौन सी? सबसे पहला इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इन्वाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। क्या करना है? पहले दिन सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इन्वाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क और सातवां करो फॉलो अप। लेडीज जेंटलमैन, जो हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। जो रास्ता मैंने आज आपको इस मॉड्यूल में भी दिखाया, वो रास्ता वो है जिसके ऊपर सफलतापूर्वक लोग इस्तेमाल करके लाखों रुपए की आमदनी पे जा चुके हैं। सफलता सिर्फ आप ही के कारण है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम और आपका जोश और आपका विश्वास हम में जब जुड़ता है तभी हम कहते हैं टुगेदर वी आर द बेस्ट, कि सफलता सिर्फ आपके कारण है। थैंक यू सो मच।